हेलो, मैं अशोक सोनग्रा आज आपके लिए लाया हूँ और एक इकोनॉमिक डेटा के बारे में, जो कि आप लोगों को इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरे पिछले जो 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज हुआ था IIP के डेटा के बारे में, तो वो डेटा आपको बहुत पसंद आया होगा और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इसी तरह के ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है जिसके जो मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो डेटा है वो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, कंपनियों के मुनाफे होते हैं, उसके ऊपर बहुत असर करते हैं। तो कैसे और कौन सा डेटा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास आज 2 डेटा है, एक है CPI का डेटा और दूसरा है WPI का। CPI डेटा यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स होते हैं, ये मतलब रिटेलर्स को जो रिटेलर्स जो खरीदी करते हैं वो कितनी महंगी चीजें होती है, इसके रिलेटेड ये डेटा होते हैं। दूसरा डेटा होता है वो होलसेल प्राइस, जो कि कंपनियां जो परचेसिंग करती है मटेरियल्स, तो उसको कितनी महंगा मिलता है, उसका एक डेटा होता है, उसको WPI बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत लंबा ना जाते हुए। देखो, मैं ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट से मिलता है, जैसे कि हमें IIP डेटा दिखा उसी साइट से हमें मिलते हैं। ये डेटा भी IIP के साथ ही हर महीने की 12 तारीख को रिलीज होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ मुझे दिखाई दे, ये डेटा है 12 तारीख का। ये डेटा है 30 दिन अपने रिलीज हुए महीनों से 30 दिन के पहले के डेटा था। यस दोस्तों, यानी कि ये दिसंबर महीने के डेटा है। यस डेटा दोस्तों, ये CPI और CPI, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कि वेजिटेबल्स और जो खाने की चीजों का इंडेक्स होता है, इसको बोलते हैं CPI। चलो अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये दिसंबर महीने के डेटा है। ये डेटा जो हमें मिलता है वो 2 तरह के अलग अलग रीजन, यानी कि रूरल और अर्बन, वो दोनों अलग अलग मिलते हैं, उसको कंबाइन करके ये डेटा को लाया जाता है। तो यहाँ पर जो दिखाई दिया है वो परसेंटेज में है। पिछले दिसंबर 2021 के मुकाबले इस दिसंबर 2022 में इस इंडेक्स में कितना इजाफा हुआ और कितना गिरा है, ये बताया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं CPI जो रूरल के अंदर है, 6.5% का इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले, जबकि अर्बन में 5.39 यानी कि 5.72% का इजाफा हुआ है। जबकि देखिए दोस्तों, अगले महीने नवंबर में ये कितना था, 5.88, यानी कि अगले नवंबर महीने के जो डेटा आया था एंड ईयर टू, इसके मुकाबले ये डेटा गिरकर आया है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे CPI में भी हम देखते हैं, जो कि रूरल में 5.05% था और अर्बन में 2.80%, यानी कि टोटल मिलाकर 5.22। यस, ये दोस्तों फूड का इन्फ्लेक्शन डेटा है। पिछले महीने हमें मिला था 4.67%, मतलब कि पिछले नवंबर के मुकाबले भी इस नवंबर में हमें कम मिला है, मतलब कि इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आया है, ये हमें पता चलता है। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम मंथ टू मंथ अगर कंपेयर करते हैं कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, पिछले नवंबर महीने में क्या था, इसके मतलब कितना गिरा है, ये हमें यहाँ बताता है। देखिए दोस्तों, पिछले नवंबर में था 177.8 और इस नवंबर में है 177.1, यानी कि पिछले नवंबर के मुकाबले ये 0.39% गिर कर आया है। इसी तरह CPI भी 174.4 नवंबर में था, जो कि इस मंथ दिसंबर में 72.8 आया है, यानी कि 1.48% की रूरल में गिरावट आई है। इसी तरह 0.51 की अर्बन में और CPI में -1.94% की गिरावट, यानी कि दोनों को अगर मिला के देखा जाए, रूरल और अर्बन को, तो CPI के अंदर 0.45% की गिरावट दिखी है, जबकि CPI यानी कि फूड इन्फ्लेशन में भी हमें -1.64% की गिरावट दिखी है। मतलब कि इस महीने नवंबर महीने के मुकाबले ये दोनों डेटा गिरकर आया, यानी कि कम हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। देखिए दोस्तों, ये इन्फ्लेशन जो होते हैं ये हमारे हर कॉमन मैन के लिए एक सरदर्द होता है, क्योंकि वो अपने घर का बजट बिगड़ जाता है, इसी तरह कंपनियों का भी बजट बिगड़ जाता है।
अब देखिए कौन से यहाँ पर जो डेटा मिलते हैं, यहाँ हमें हमारी जो हर रोज खाने की हम जो यूज करते हैं वो चीजों को चीजों के अगले महीने के प्राइस से मिलाकर लिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ कुछ सब चीजों को यहाँ दिया गया, लेकिन कुछ को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज को मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा, अगर किसी को चाहिए तो वो डाउनलोड करके हर चीज को यहाँ का देख सकते हैं। जैसे कि सेरल जो सेरल्स एंड पॉलिसीज प्रोडक्ट्स होती है उसमें लास्ट नवंबर में 167.4 था, जो कि इस महीने 169.4 आया है, ये थोड़ा बढ़कर आया है। अब देखिए सबसे ज्यादा मीट और फिश के अंदर थोड़ा 209.4 था, जो कि अब इस महीने 209 आया है। इसी तरह मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर 172.3 था लास्ट मंथ, जो कि इस मंथ 173.3 आया है। ऐसे ये ऑयल एंड फैट्स के अंदर देखो तो 188.6 आया है, मतलब ये भी गिरा हुआ। इस तरह यहाँ शुगर का भी देखो तो नवंबर में 122.1 था, जो कि यहाँ पर 121.8 आया है। इसी तरह देखिए नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, उसमें 170.4 था, जो कि 171 ये थोड़ा बढ़कर आया है। तो इसी तरह यहाँ पर मुझे फूड एंड बेवरेजेस में भी थोड़ा 178.3 तो उसमें थोड़ा कम गिर कर आया है। इसी तरह पान टोबेको के अंदर 196.9 था, जो कि ये थोड़ा बढ़ कर आया है। तो इसी तरह क्लोथिंग में भी थोड़ा बढ़ कर आया है। तो ये लेकिन पूरे अगर महीने में देखूँ ओवरऑल जो ये सब चीज़ों को मिला के कंबाइन करके देखूँ अगले महीने यानी कि नवंबर महीने में ये 176.5 था, जो कि इस महीने 175.7 यानी कि थोड़ा गिर कर आया है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों अगर ईयर टू ईयर पिछले दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर में कितना इजाफा और गिरावट आई है ये भी हमें देखते हैं। ये जो इंडेक्स होते हैं ये इसको 2012 को बेस मान के लिया जाता है दोस्तों, ये हमें यहाँ से पता चलता है। जैसे कि सेल्स के अंदर के पिछले साल के मुकाबले 13.79% का इजाफा हुआ है। ये दोस्तों ईयर टू ईयर का है, मंथ टू मंथ नहीं है, ये हमें ख्याल रखना है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस दिसंबर में हमें 14% तक का सेल्स और प्रोडक्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। इसी तरह एग के अंदर 7% का इजाफा हुआ है, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर 9% तक का इजाफा है, ऑयल के अंदर 0.53% का इजाफा हुआ है, जबकि वेजिटेबल के अंदर 15% का गिरावट आई है। इसी तरह नॉन अल्कोहलिक में 4.40% का प्रिपेयर मील यानी कि तैयार जो खाना मिलता है उसके अंदर 8% तक की इजाफा हुआ है। फूड एंड डिलीवरी जिसमें 4.58% का इजाफा हुआ है। तो ये सब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखिए तो 4.88 देखिए ये जो हमारे रोज की जिंदगी के अंदर जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है ये इसी के लिए ये जरूरी है कि कौन सी चीज तो महंगी हुई है कौन सी चीज सस्ती हुई है, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। इस तरह के ये अलग अलग राज्यों से भी कौन से राज्य में महंगाई मतलब कौन से राज्य में ये गेहूं चावल दाल ट्रांसपोर्टेशन सबका मिलाकर जो कौन से राज्य में बड़ा है इसका भी डेटा हमें यहाँ से इसी सीट से ही मिलता है। जैसे कि मैं हाईलाइट करूँ दिल्ली के अंदर लास्ट नवंबर में 164.7 था, जबकि यहाँ पर 162. मतलब दिल्ली के अंदर जो ओवरऑल महंगाई है पिछले नवंबर के मुकाबले घटकर दिखाई गई है। गुजरात के अंदर देखो तो 168.2 था, जो कि ये 166.8 मतलब ये रीजन वार अलग अलग राज्यों के हिसाब से। महाराष्ट्र के अंदर देखो 173.5 था, जो कि 172.7 मतलब महाराष्ट्र के ओवरऑल जो राज्य के जो डेटा लिए जाते हैं अलग अलग मंडियों से अलग अलग जगह से ये डेटा लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये डेटा हमें अलग अलग राज्य वाइज भी अगर देखिए कि कौन से राज्य के अंदर बड़ा महंगाई बढ़ी है कौन से राज्य के अंदर घटी है ये भी हम यहाँ से ओवरऑल अगर देखूँ तो 176.5 था, जो कि ये घटकर 175.7 आया है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है दोस्तों। इसी तरह ये इन्फ्लेशन का रेट परसेंटेज वाइज अगर देखूँ तो कौन से राज्य में कितना परसेंटेज का इजाफा हुआ है पिछले दिसंबर के मुकाबले, ये जो डेटा देखा था वो मंथ टू मंथ मतलब नवंबर और दिसंबर महीने का जो डेटा था, लेकिन पूरे साल में एक साल के अंदर कौन से राज्य के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है राज्य वाइज अगर वो भी डेटा अगर हमें चाहिए तो ये डेटा यहाँ हमें मिलते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश 6.53%, ये मध्य प्रदेश में 6.90 मतलब 6 के ऊपर अगर जो हमें देखे तो गुजरात के अंदर 5.10, दिल्ली के अंदर सिर्फ 2.98% ही पिछले दिसंबर के मुकाबले महंगाई बढ़ी है।
ये सीपीआई का डेटा हमें यहाँ से मिलता है। इसी तरह देखिए ये जो सीपीआई का डेटा और सीएपीआई का डेटा है, ये हमें डायरेक्ट कंज्यूमर यानी कि हम आम भोग आम आम जो आदमी होता है उससे अफेक्ट करता है। अब हम आते हैं दूसरी चीज, दूसरा डेटा जो कि हर महीने की 16 तारीख को रिलीज होता है। ये देखा गया है जनवरी महीने की 16 तारीख को ये रिलीज हुआ है। इसको भी बेस ईयर 11-12 को बेस ईयर मान के ही, मतलब उस ईयर को 100 फिगर लिया है उसमें, इसके ईयर इस ईयर के बाद अगर उसमें उतार चढ़ाव आता है तो हमें ये ले जाता है। और दोस्तों देखियो ये जो डेटा है होलसेल प्राइस, ये डेटा किस चीज का होता है, मतलब जो कंपनियां अपना जो रॉ मटेरियल है जहां से परचेस करती है वो रॉ मटेरियल का प्राइस में कितना इजाफा हुआ है और कितनी गिरावट आई है। ये जो उस जो रॉ मटेरियल के प्राइस जब बढ़ते हैं तो कंपनियों के जो रिजल्ट आते हैं उसके अंदर उसका जो एक्सपेंस बढ़कर आता है और डायरेक्टली उस कंपनी के रिजल्ट में प्रॉफिट के अंदर गिरावट दिखती है दोस्तों। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि होलसेल में क्या आया है। तो इस महीने के अगर मैं देखूं दोस्तों नवंबर और दिसंबर, तो ये पीछे ये नवंबर दिसंबर के अंदर और जो देखते हो ये जो डेटा आता है ईयर टू ईयर अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो पिछले परसेंटेज के हिसाब से मुझे पिछले नवंबर के पिछले दिसंबर, यहाँ देखिए दोस्तों ये नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 का जो डेटा देखा है ईयर टू ईयर अगर मैं यहाँ कंपेरिजन करूँ कि पिछले दिसंबर के महीने में कितना बड़ा था, तो यहाँ अलग अलग उसको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। जैसे कि पूरे जो WPI डेटा है उसको कॉमन इंडेक्स बोलते हैं, जिसके अंदर 4.95% आया है, जबकि नवंबर महीने में ये आया था 5.85% और अक्टूबर महीने में 8.67%, मतलब कि मंथ टू मंथ उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अब उसमें अलग अलग तीन सेक्टर में उसको डिवाइड किया, जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इस तरह के इस तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं जो जो चीज नॉर्मली जो कंपनियां के रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें उसको ये प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल ही उस कंपनी के प्रॉफिट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2.38% आया है, जबकि ये नवंबर में पिछले नवंबर में 5.52% थी और इसके बदले इसके अक्टूबर में 11%, मतलब 11% से घटकर अभी 2.38%, बहुत ही अच्छी गिरावट आई है। तो ये जो हमें कैसे इसका हमें क्या फायदा मिलता है, जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल का जो ये प्राइस गिर के आया है, तो अब आने वाले जो ये 9 मंथ के जाते ये जो हमें मिला है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये गिरावट कौन से महीने में, दिसंबर महीने, तो ये जो इसका आएगा तो आने वाले एनुअल जो रिजल्ट होते हैं उसमें और 9 मंथ के जो क्वार्टर होते उसमें थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि अक्टूबर महीने का जो इन्फ्लेशन है ज्यादा था, तो इसीलिए अभी एक से एक महीने में गिरा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें एनुअल रिजल्ट में भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो जो जो कंपनियों का रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरी है ये यहाँ से हमें दिखाई देगा। फ्यूल एंड पावर में भी देखिए दोस्तों अक्टूबर महीने में क्या थी, 24.5% थी, जबकि नवंबर के अंदर 17%, जो कि इस महीने दिसंबर में 18% गिर कर आई है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स होती थी वो अक्टूबर महीने में 4.42% का था, जबकि नवंबर महीने में 3.59 और उसके भी अंदर गिरावट आई यानी कि 3.37%। और फूड इंडेक्स यानी कि फूड की जो आइटम्स होती है, फूड का जो मटेरियल्स होता है उसमें क्या दिखाई देते, तो अक्टूबर महीने में 6.6% था, जो कि नवंबर महीने में 2.70% था और ये इस महीने 0.65% आया, मतलब उसमें भी थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। देखिए दोस्तों ये जो डेटा होता है ये नवंबर और दिसंबर ये एक प्रोविजनल डेटा है, तो 2 महीने के बाद उसको फाइनल डेटा है। यहाँ जो हमें एफ डेटा दिखाई दे रहा है वो यानी कि फाइनल डेटा है और पी का मतलब होता है कि प्रोविजनल, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, वो जब हम दूसरे महीने की सीट आती है उसमें वो फाइनल डेटा आके मिल जाता है। इसी तरह देखिए देखिए मंथ टू मंथ, मतलब ये जो मुझे दिखाई दिया ये जो डेटा मिला है दिसंबर का वो पिछले दिसंबर से कंपैरिजन में दिखा है, जबकि ये अगर मंथ मंथ मतलब नवंबर में कितना था, नवंबर के महीने के मुकाबले मुझे कितना दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल जो है माइनस इस अगले महीने के मुकाबले मेरा इस महीने का जो
कॉमन जो WPI है -1.12% गिरकर आया है। इसी तरह प्राइमरी आर्टिकल के अंदर 2.98% यानी कि 3% जितना गिरकर आया है पिछले महीने के मुकाबले। इसी तरह फ्यूल के अंदर 1%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर 0.28% और जो फूड इन्फ्लेशन है यहाँ पर -2.29। तो ये पूरे सभी चीजों का भाव गिरकर आया है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखिए दोस्तों, ये जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो उसी के रॉ मटेरियल खरीदने वाली कंपनियों के ऊपर आएगा और जैसे ही उसका प्राइस घटेगा तो उसकी मुनाफा शक्ति बढ़ेगी और वो कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर आ सकती है। देखिए ये जो प्राइमरी आर्टिकल है उसको यहाँ पर इंडेक्स के अंदर 22.62% का वेटेज दिया गया है। तो ये वेटेज के हिसाब से इसी तरह फ्यूल के अंदर 13% का वेटेज है देखिए, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 64%, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इस इंडेक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है, और फूड के अंदर 24% का इंडेक्स वेटेज दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंडेक्स है वो कौन सी जो आइटम है प्राइमरी आर्टिकल जैसे कि फूड आर्टिकल जो प्राइमरी कॉमन है हमें कंपेरेटिवली 4.95 आई है। फूड आर्टिकल के अंदर देखिए सेरेल्स है, वेट है, पल्सिस है, वेजिटेबल है, पोटेटो, ओनियन, ये जो चीज होती है जैसे कि ये पोटेटोज ये है तो ये किसको काम आती है देखिए, ये फूड की जो रॉ मटेरियल बनाने वाली चीज होती है जो स्नैक्स वगैरह ऐसी कंपनियां जो होती है तो उसमें उसको ये इफेक्ट, एग्स का जो है तो एग्स के प्रोडक्ट्स जो बनाती है उसको ये इम्पेक्ट करता है। नॉन मिनरल्स से हो तो जो मिनरल्स का यूज करता है उसको ये इफेक्ट है। फ्यूल और पावर ये तो सब कंपनियां फ्यूल तो यूज करती है तो डायरेक्टली अगर जो वो गिरता है तो उसकी एक्सपेंसिव पावर घटती है और वही इजाफा उसको मिलता है। ये ब्रेवरेजेस के अंदर 1.81% का इजाफा आया है। तो यहाँ पर सब इंडिविजुअल चीज में कितना कितना फर्क आता है ये हमें दिखाई देता है। तो ये हम अगर जिसको भी चाहिए तो यह हमें इंडिविजुअल सीमेंट लाइम जो भी रबर्स और रबर की प्रोडक्ट इंडिविजुअल जो चाहिए तो हम यहाँ से मिल सकते हैं। और यही जो कंपनियों का कौन सी कंपनियों के अंदर क्या इजाफा हो सकता है, कौन सी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलता है, यानी कि देखिए हमें हर एक चीज के अंदर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यानी कि प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग सभी के अंदर गिरावट आई है। इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले नवंबर महीने के और इसके बाद के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके अंदर हमें जरूर से इफेक्ट दिख सकती है। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक ये प्रयास था आप लोगों के लिए कि ये डेटा से हम अपने आने वाले 9 मंथ रिजल्ट के कौन सी कंपनियों में क्या इफेक्ट पड़ सकती है, ये गिरता है तो क्या होता है। तो आप देखिए दोस्तों कि हमें ये महीने में जो अगर गिर आया है तो हम 9 मंथ के रिजल्ट कैसे अनुमान कर सकते हैं ये हमें देखना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए ये प्रेजेंट किया हूँ। आपको अगर कोई कमेंट हो तो जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। कमेंट से मेरा एक हौसला बढ़ता है, मेरे को मतलब कोई क्वेरी है आपकी तो उससे क्या है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ता है और आप लोगों को भी मैं कुछ ना कुछ नया देने की ट्राई करता हूँ। थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू वेरी मच।